जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड डिफेंस आर्मी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो न्यू टॉपिक पे है, एसएसबी कांस्टेबल भर्ती 2020-21। दोस्तों, अभी हाल ही में 20 दिसंबर एसएसबी के फॉर्म भरना बंद हुए हैं, उसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर थी, क्योंकि एसएसबी के फॉर्म रीओपन हुए हैं बीच में। तो दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स और इसके फिज़िकल रिलेटेड कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी भर्ती में और इसका फिज़िकल कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं बता दूँ एसएसबी की ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर होती है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका फ़िज़िकल होता है, ठीक है। इसका जो फिज़िकल है आपका सबसे पहले लिया जाता है। और जहाँ तक बात है दोस्तों एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपकी जनवरी फर्स्ट वीक से आपके एडमिट कार्ड इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इसके जो फिज़िकल सेंटर है जहाँ पे आप लोग के फिज़िकल लिए जाएंगे, ये दोस्तों आपके होम सेंटर्स होते हैं। होम सेंटर का मतलब जिस भी आप स्टेट में हैं, जैसे कि मैं बिहार में हूँ, तो मेरा बिहार में ही एसएसबी बटालियन का मेरा फिज़िकल होगा वहीं पर, ठीक है। आप जैसे महाराष्ट्र है तो आपका महाराष्ट्र में होगा, मतलब आप जिस भी स्टेट के हैं आपका फिज़िकल उसी स्टेट में होगा, ओके। तो चलिए दोस्तों, आप आते हैं इसके फिज़िकल इंस्ट्रक्शन पे। तो फिज़िकल इंस्ट्रक्शन मैं बता दूँ, इसमें जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है फॉर ऑल स्टेट के लिए, ठीक है। अगर आप एससी एसटी, या अगर आप हिली एरिया या गोरखा, या आप मतलब आपको हाइट में कहीं भी रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आपको एससी एसटी और हिल एरिया वालों को ही मिलेगा, ओके। चलिए दोस्तों, अब इसके फिज़िकल के ऊपर आते हैं। तो फिज़िकल में इसमें आपकी 4.8 किलोमीटर रनिंग है, जो कि आपको 24 मिनट में कवर करनी है। तो 4.8 किलोमीटर आप बेसिकली समझ लीजिए रनिंग आपकी 5 किलोमीटर की हो जाती है, जिसको आप 24 मिनट में आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब बता दूँ, जो आपका ट्रैक होगा वो मेनली आपका ग्राउंड होगा, ठीक है दोस्तों। आपका गोल ग्राउंड होगा हर जगह, कहीं कहीं एसएसबी का कोई कोई ऐसा फिज़िकल सेंटर है जहाँ पे आपको रोड मिले, ठीक है। जैसे कि भोपाल है आपका, वहाँ पे रोड मिल सकता है, बाकी जगहों पे नॉर्मली ग्राउंड होता है। जैसे कि अगर आप बिहार से हैं, कोई मेरा दोस्त अगर बिहार से एसएसबी की भर्ती का फिज़िकल देने जाएगा, तो नरकटियागंज में उसका सेंटर पड़ने वाला है, तो वहाँ पर दोस्तों ग्राउंड है, ठीक है। बैच जो है दोस्तों, बैच आपका 100 से 150 का बनाया जाएगा, 150 से ऊपर का बैच कभी नहीं बनता इसमें। और सबसे मेन पॉइंट, इसमें चिप रनिंग होती है, आपके दोनों पैरों में चिप बांध दी जाएंगी, और चिप आपकी रनिंग की जो टाइमिंग है उसको ट्रैक करेगा। जैसे कि 400 मीटर के आपने 12 राउंड लगाने हैं, तो आपके 12 राउंड की पूरी टाइमिंग आपकी चिप में ट्रैक होती रहेगी, ओके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जो आप राउंड लगाओगे ये आपको खुद याद रखने हैं। ये राउंड आपको वहाँ पे कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट होगी राउंड की, ना आपको राउंड वहाँ पे कोई आपको बताएगा, कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है। आपको खुद ही दौड़ना है और आपको राउंड भी खुद ही याद रखने हैं, ओके। ये याद रखना, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये जो भाई मेरे पिछली बार की भी भर्ती में गए हैं, वहाँ पर जाके ये नया कुछ सुनने को मिलता है कि यार राउंड के बारे में तो हमें कोई बता ही नहीं रहा है। राउंड हमें खुद ही याद रखने हैं, कोई भी आपको वहाँ पर राउंड नहीं बताएगा। तो अपना रनिंग करते रहें और अपना राउंड भी याद रखें कि कौन सा राउंड आप लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट। सबसे पहले दोस्तों, आपको जैसे फिज़िकल आप क्लियर कर लेते हैं, रेस क्लियर कर लेते हैं, पीएसटी पीईटी होने के बाद आपके लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपके मेनली 10+2 की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट लिया जाएगा वहाँ पर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको देना पड़ेगा। आपको ने जिस भी ट्रेड में अप्लाई किया होगा उसका एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि एसएसबी की जब आपने फॉर्म एप्लीकेशन को अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे एक्सपीरियंस तो आप समझ रहे हो वो डिज़ायरेबल था उसमें, तो एक्सपीरियंस तो वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। रही बात कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी और एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर ले कर जाएँ। सबसे इसमें मेन चीज़ मैं बता दूँ, ओबीसी वाले जो भी मेरे भाई हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ले कर जाएँ, स्टेट का नहीं लेके जाएं। अगर आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं और स्टेट का वहाँ पे लेके जाते हैं, तो दोस्तों आपको सीधा वहाँ पे रिजेक्शन करेंगे, सीधा आपको वहाँ पे रिजेक्ट मार देंगे विदाउट एनी वार्निंग, ओके। इसीलिए ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट ही लेके जाएं, वही वैलिड होता है वहाँ पे।
अब आ जाता है कांस्टेबल वेटनरी पोस्ट। जिन जिन भाइयों ने मेरा जिन जिन कैंडिडेट्स ने कांस्टेबल वेटनरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैं बता दूँ, उसमें कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं ले जाना है वहाँ पे, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मांगा भी नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें आप 10th पास होने चाहिए, आपका सेम जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस होना चाहिए, जो कि सबका ही साइंस 10th में होता ही होता है। फिर आप देखेंगे, लास्ट पॉइंट है मेरा ट्रेड, इसमें कौन कौन सी जो भर्ती आई है उसमें कौन कौन से ट्रेड हैं, तो ड्राइवर की है, वेटनरी की है, इलेक्ट्रीशियन है, कुक है, कारपेंटर है, और एक्सेट्रा बहुत सारे इसमें ट्रेड्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रही मेरी कुछ मेन पॉइंट्स इसमें, जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे वहाँ पे रनिंग करनी है। मैंने आपको उसमें ये भी बता दिया कि आपको उसमें जो राउंड दौड़ने हैं वो आपको खुद ही गिनने हैं, कोई आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं बताएगा कि आप कौन सा राउंड दौड़ रहे हैं नहीं दौड़ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और पिछली बार मैं आपको बता दूँ, जो 2018 में जो SSB की जो भर्ती हुई है, तो मैं बता दूँ कि मैंने पिछली बार SSB की भर्ती में मैं गया था, और बिहार से जो बंदे SSB के फॉर्म भरे हैं तो उनका जो कि सेंटर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका SSB नरकटियागंज। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अपना एडमिट कार्ड भी दिखा देता हूँ कि एडमिट कार्ड वहाँ पे कैसे होते हैं। तो ये रहा दोस्तों पिछली बार का, जो कि SSB में जो गए थे तो उसका एडमिट कार्ड ये है। ओके, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, 44th बटालियन नरकटियागंज, ठीक है, वेस्ट चंपारण बिहार। ठीक है दोस्तों, ये तो रही बात हमारी एडमिट कार्ड की। जब आपका फिज़िकल क्लियर हो जाता है तो फिज़िकल क्लियर होने के बाद सेम आपको ये ही फॉर्म पे दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे जो है स्टैम्प मार दिया जाएगा फिज़िकल क्लियर होने के बाद, और यहाँ पे जो भी आपका जो भी आप ग्रुप और आपका चेस्ट नंबर होगा यहाँ पे वो मेंटेन कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही आपको बोलूँगा, अपनी फ़िज़िकल की प्रैक्टिस मैं तैयारी करते रहें, क्योंकि SSB के फिज़िकल हमारे जनवरी 1st वीक से इसके एडमिट कार्ड आने भी शुरू हो जाएंगे और इसके फिज़िकल भी शुरू हो जाएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो SSB कॉन्स्टेबल भर्ती के ऊपर में, तो मुझे कमेंट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।